भारत के किसी हिस्से का नाम पाकिस्तान के नाम पर सुनने में ही बड़ा बेतुका लगता है, लेकिन यह हकीकत है मुंबई के पास नाला सुपारा की। यहाँ के इलाके को छोटा पाकिस्तान नाम दे दिया गया है। यही नहीं, उसामा बिन लादेन के नाम पर भी यहाँ एक इलाका है जिसे लादेन नगर पुकारा जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह नाम पुलिस ने इस इलाके को दिए। सरकारी बिजली कंपनी भी इन्हीं नाम से लोगों को बिजली के बिल भेज रहे हैं। मुंबई के पास नाला सुपारा में यह छोटा पाकिस्तान, ये हम नहीं कह रहे। लोगों के घरों में बिजली देने वाली महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने अपने बिलों पर यही पता छाप रखा है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब यहां के लोगों ने आधार कार्ड बनवाने के लिए बिजली के बिल दिए तो कुछ बिलों पर पता छोटा पाकिस्तान लिखा हुआ मिला। इलाके के लोगों का कहना है पाकिस्तान का लेबल लगने से वो खुद परेशान हैं। जब इस नाम से पुकारा जाता है तो हमारे दिल को ठेस लगती है कि हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, इस एरिया में रह रहे हैं, तो हमको इससे पाकिस्तानी जो घोषित किया जा रहा है उससे हमको काफी तकलीफ है। सिर्फ छोटा पाकिस्तान ही नहीं, लादेन नगर भी यहाँ है। सागर वेलफेयर सोसाइटी में रमजान मोहम्मद हाफिज की भी शिकायत है। उनके बिजली बिल में लादेन नगर लिखकर आता है और कई बार शिकायत करने पर भी उसे ठीक नहीं किया जा रहा। जबकि 2007 में जब उन्होंने बिजली के लिए आवेदन किया था तो उसमें सभी दस्तावेज लक्ष्मी नगर के नाम थे। मिस्त्री का अपना ऑफिसर लोग जो अपने वायरमैन होते उनको बोला मैंने, जो दोस्त हमारे उनको मैंने बोला तो हंसी में उसको उड़ा दिया उन्होंने। नाला सुपारा पूर्व में संतोष भुवन और हाईवे के बीच बसे इस इलाके का नाम छोटा पाकिस्तान कैसे पड़ गया, इसके पीछे भी कहानी है। बिल्डरों में और पुलिस में हुई थी मारामारी हो गई थी। 12 साल हो गए मेरे को यहाँ, तो मैं ये देखा कि जब मारामारी हो गई तो ये अल्फाज सबसे पहले इस्तेमाल करने वाला पुलिस है कि ये पाकिस्तानी। बिजली विभाग की इस घोर लापरवाही को उजागर करने वाली स्थानीय नगर सेविका छाया पाटिल ने कलेक्टर को पत्र लिखकर मामले की शिकायत की है। MSEB के डॉक्यूमेंट में जो एक ऑथोराइज एड्रेस प्रूफ है, इसमें ये नाम कैसे आया, कैसे उसमें वो नाम डाला गया। मामला उजागर होने के बाद महावितरण के अधिकारी अब जांच की बात कह अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। मुझे पावर नहीं है, मुझे तो ज्यादा उसके बारे में मालूम नहीं है। किसी सरकारी कर्मचारी के लिए ये शरारत भर हो सकता है, लेकिन यहाँ के रहने वालों के लिए अपने ही देश में पराया बनने से कम नहीं। मुंबई से राजा मयाल के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। इस मामले पर अब सरकार भी जाग उठी है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, जो कि ऊर्जा विभाग के भी मंत्री हैं, उन्होंने कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। वो बहुत गलत हुआ है हमारे महावितरण कंपनी की तरफ से। मैं आज दोपहर 12 बजे या 11 बजे उसके बारे में मैंने मीटिंग लगवाई है। उसका वही इशू नहीं, बाकी के भी एनर्जी डिपार्टमेंट के अलग अलग इशू है, लेकिन इसके बारे में किसकी गलती है उसकी जान पहचान करके जाएंगे और उसमें जिसकी गलती होगी उसके ऊपर एक्शन भी लेने के लिए मैं कहने वाला हूं। दादा, सिर्फ एक सवाल, एक दादा प्रश्न। और अब मुंबई से एक और खबर। मिलन सबवे हर बारिश में डूब जाता है, लेकिन अब इसका हल